So in this video, we are going to discuss about the how a chelation gives stability to a certain complexes. तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चिलेशन क्या होता है. तो चिलेशन वो है कि अगर एक ही लिगेंड अगर कुछ सर्टेन कॉम्प्लेक्स के सारे कोऑर्डिनेशन साइट को अगर फुलफिल करे तो फिर उसे चिलेशन कहते हैं, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट. जैसे कि अगर एक सेंट्रल मेटल एटम हम मान के चलते हैं कोबल 2+ और इसके साथ 6 NH3, 6 NH3 एज ए लिगेंड को अगर हम फ्यूज़ करें तो फिर क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे यहाँ? तो NH3 होल 6 2+. NH3 तो न्यूट्रल है तो बाहर 2+ आएगा ड्यू टू द कोबल्ट 2+. लेकिन अगर हम NH3 की जगह EN, मतलब ये EN है, EN एक चिलेटिंग लिगेंड है, इसका नाम होता है इथिलीन डायमीन. मतलब एक इथिलीन पार्ट होगा और दो एमीन होगा, मतलब कुछ इस तरह से होता है. CH2 CH2 NH2 NH2. तो इथिलीन पार्ट कौन सा है? CH2 एंड CH2 वाला ये जो पार्ट है, दिस इज द इथिलीन पार्ट, 1 amine 2 amine, सो इथिलीन डायमीन. सो इसे हम चिलेटिंग लिगेंड एज ए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसका जो डेंटिसिटी है वो 2 है. मतलब ये एक मेटल के 2 कोऑर्डिनेशन साइट को फुलफिल कर सकते हैं. लेकिन एक NH3 की अगर हम बात करें कि एक अमोनिया एक ही कोऑर्डिनेशन साइट को फुलफिल करेगा, मतलब कोबाल्ट NH3 NH3, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स NH3 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 एंड NH3, ऐसे. तो एक अमोनिया ओनली 1 कोऑर्डिनेशन साइट को ही फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इथिलीन डायमीन 2 कोऑर्डिनेशन साइट को फुलफिल करेगा. एक बार देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा. तो फिर कोबाल्ट 2+ के साथ इथिलीन डायमीन, तो इथिलीन डायमीन 3 लगेगा क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन साइट को फुलफिल करना है. एक कोऑर्डिनेशन साइट को फुलफिल करने के लिए एमोनिया 1 लग रहा था, लेकिन 2 कोऑर्डिनेशन साइट फुलफिल होगा एक इथिलीन डायमीन से. सो 6 कोऑर्डिनेशन साइट फुलफिल करने के लिए हमें 3 इथिलीन डायमीन की रिक्वायरमेंट होगा. तो फिर हम इसे लिख सकते हैं कि कोबाल्ट EN होल 3. अब इसको बनाते हैं कैसे होगा कि ऑक्टेडल होगा तो 6, ठीक है. तो इसके बाद इथिलीन डायमीन का जो स्ट्रक्चर है मैंने बताया कि CH2 CH2 NH2 एंड NH2, और इससे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. तो फिर यहाँ पर नाइट्रोजन लगा देते हैं, एक यहाँ पर नाइट्रोजन, ये वाला CH2 पार्ट, ये वाला भी CH2, ठीक है, ये वाला CH2 है. उसके बाद एक और इथिलीन डायमीन, एक CH2, एक एक CH2, ऐसे. तो एक और इथिलीन डायमीन, जैसे इसको कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड क्योंकि इसकी डेंटिसिटी 2 है, मतलब ये सेंट्रल मेटल के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा है. तो बाइडेंटेड लिगेंड, डेंटिसिटी 2 है. तो फिर कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसे कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, जो कि चिलेशन से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है एक सर्टेन कॉम्प्लेक्स का. तो फिर जो 2 इक्वेशन की बात कर लेते हैं कि कोबाल्ट 2+ और 6 NH3, हमें मिल रहा है कोबाल्ट NH3 होल 6 2+. ये कोबाल्ट नाव के कोई भी मेटल आयन हो सकता है. और जो कोबाल्ट 2+, 6 NH3 की जगह हमें 3 इथिलीन डायमीन यूज़ करना पड़ेगा. तो फिर हमें बनेगा कुछ ऐसे कुछ. तो इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो अगर K1 है, इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट K2 है, तो ऑब्जर्वेशन ये देखा गया है कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ K फर्स्ट वन इज लेस देन द K2. मतलब इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जो चिलेटिंग लिगेंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऊपर वाले से ज़्यादा होगा. तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं वो देख लेते हैं कि इसको हम समझेंगे एंट्रोपी फैक्टर से कि क्या हो रहा है. एंट्रोपी फैक्टर हमें पता है, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए. तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस,
तो फिर अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा कब होगा, जब टी डेल्टा एस ज़्यादा होगा, और टी डेल्टा एस दो फैक्टर से ज़्यादा होगा, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और एक और होगा जो डेल्टा एस अगर हाईली पॉजिटिव हो, अगर डेल्टा एस हाईली पॉजिटिव हो तो टी डेल्टा एस भी ज़्यादा होगा तो टी डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा, तो रिएक्शन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। तो वही देखते हैं, तो ये सभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो फिर फर्स्ट फर्स्ट के केस में देख लेते हैं पहले। फर्स्ट वाले के केस में जो रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 7, और जो प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1, ठीक है। सेकेंड केस में चिलेटिंग लिगेंड के केस में रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4, और जो प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, जैसे कि अगर कोई भी रिएक्शन के बैकवर्ड रिएक्शन अगर ज़्यादा फिजिबल है, मतलब ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, तो फिर इसका मतलब क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली अनस्टेबल है, क्योंकि वो डिकम्पोज करके फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर बैकवर्ड रिएक्शन फिजिबल है तो प्रोडक्ट मस्ट बी अनस्टेबल, क्योंकि वो फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर इसी कंसेप्ट को यूज़ करके देखते हैं कि पहले पहले वाले रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन के अगर हम बारे में सोचें कि एक मॉलिक्यूल से 7 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा अगर कॉम्प्लेक्स टूट जाए और रिएक्टेंट में फिर से कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब इसका जो डेल्टा एस है, अब डेल्टा एस डिपेंड करता है कुछ कुछ चीज़ों पर, जैसे कि रैंडमनेस। अगर कोई सिस्टम में और रिएक्शन मिक्सचर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाए तो रैंडमनेस भी इंक्रीज ही होगा, तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। तो एक मॉलिक्यूल से 7 मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हो रहा है तो डेल्टा एस होगा हाईली पॉजिटिव। पहले वाले रिएक्शन के बैकवर्ड के केस में हम बोल सकते हैं कि पहले वाले रिएक्शन के बैकवर्ड केस में कि डेल्टा एस होगा हाईली पॉजिटिव। दूसरे वाले रिएक्शन की बात करते हैं, तो दूसरे वाले रिएक्शन में एक बैकवर्ड रिएक्शन के 1 से 4 प्रोडक्ट बनेंगे अगर प्रोडक्ट जैसे कि जिलेटिन कॉम्प्लेक्स अगर टूट जाए। तो इसके केस में भी डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, क्योंकि 1 से 4 बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है बैकवर्ड रिएक्शन के केस में, लेकिन उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, उससे 1 से 7 बन रहा था, 1 से 4 बनेगा, तो ये कंपैरेटिवली लेस पॉजिटिव है। अब मैंने बात किया कि अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो, तो फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी की तरफ मूव करेगा, क्योंकि डेल्टा जी भी नेगेटिव हो सकता है उस केस में। तो फिर ये वाला ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि हाईली पॉजिटिव है। तो फिर बोल सकते हैं कि पहले वाले का जो बैकवर्ड रिएक्शन वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, और दूसरे वाले का जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली लेस स्पॉन्टेनियस है, ये हम बोल सकते हैं। अगर बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और फिजिबल हो, इसका मतलब प्रोडक्ट अनस्टेबल। इसके केस में हम पहले के केस में जब मोनोडेंटेड लिगेंड से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, उसके केस में डेल्टा एस हाईली पॉजिटिव है, इसका मतलब जो बैकवर्ड रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो ब्रेक होकर फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी दिखाएगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है फर्स्ट केस में, जो प्रोडक्ट था मोनोडेंटेड लिगेंड के विदाउट चिलेशन, वो लेस स्टेबल है, लेकिन जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें डेल्टा एस लेस पॉजिटिव है। इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन लेस स्पॉन्टेनियस है और प्रोडक्ट उतनी आसानी से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब इट गिव्स द प्रोडक्ट द जिलेटिंग कॉम्प्लेक्स अ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी व्हिच इज कॉल्ड द चिलेसन स्टेबिलिटी, एंड दिस इज व्हाई द चिलेटिंग लिगेंड गिव्स एन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू अ सर्टेन मेटल एटम थ्रू चिलेशन।